हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केआरबी किचन लैब। आज हम बनाएंगे मेथी थेपला पिज्ज़ा। सो वीडियो को एंड तक देखना कैसे बनाना है, क्या प्रोसेस है। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेथी थेपला पिज्ज़ा बनाने के लिए हमने 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है। अब हम उसमें 1 कप कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। अब हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। 1 स्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर देंगे। सफेद तिल ऐड कर देंगे 1 स्पून। अदरक लहसुन मिर्ची की पेस्ट ऐड कर देंगे। 2 चम्मच बेसन ऐड कर देंगे। 1 स्पून चीनी ऐड कर देंगे और थोड़ा सॉल्ट डाल के सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे अच्छे से गूंद लेंगे। याद रहे, आटा ना ही ज़्यादा हार्ड ना ही ज़्यादा सॉफ्ट, मीडियम आटा लगाना है। आप देख सकते हैं आटा हमारा लग चुका है। हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और अब हम इसको अच्छे से मसल देंगे। और अब हम आटे को 2 से 3 मिनट तक के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, आटे को एकदम अच्छा रेस्ट हो चुका है। अब हम फिर से इस तरह से थोड़ा मसल देंगे ऑयल लगा के। अब इस तरह से एक छोटी लोई ले लेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सूखा आटा छाट देंगे। अब अच्छे से वेल देंगे इसे। आप देख सकते हैं थेपले के साइज, हमने ज़्यादा पतला नहीं रुकाया और ना ही ज़्यादा मोटा रुकाया है। अब हम एक ग्लास ले लेंगे और इस तरह से थप्पे मार देंगे ताकि हमें एक राउंड शेप मिल जाए। सो हमारे मिनी थेपले रेडी हो चुके हैं। अब हम एक पैन ले लेंगे, उसे ऑलरेडी हमने हीट कर दिया है। अब हम उसके ऊपर सब थेपले प्लेस कर देंगे। याद रहे, गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है।
आप देख सकते हैं थेपले दोनों साइड से पक चुके हैं। अब हम थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर देंगे ऊपर। और हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पकाएंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। सो थेपले हमारे हो चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट पे निकाल देंगे। थेपलों को हमने एक प्लेट पे निकाल दिया है। अब हम उसके ऊपर व्हाइट पेयोनी स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। पिज्जा टॉपिंग वाली मेयोनीज ऐड कर देंगे। केचप ऐड कर देंगे। सभी को अच्छे से मिक्स करके इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। अब हम वेजिटेबल्स रख देंगे, चॉप्ड ऑनियन। चॉप टमाटो ऐड कर देंगे। चॉप्ड शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। बॉइल्ड कॉर्न्स ऐड कर देंगे। ऑरेगानो स्प्रिंकल कर देंगे। चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे। खुशी गार्लिक मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। अमूल चीज क्यूब ग्रेट कर देंगे। आप देख सकते हैं थेपला रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे चीज मेल्ट के लिए पैन पे फिर से रखेंगे। सो हमने एक पैन ले लिया है, उसपे हमने ऑलरेडी ऑयल थोड़ा सा छाट दिया है। ऑयल को हमने ऑलरेडी हीट कर दिया है। अब हम इसके ऊपर पिज्जा रख देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रहे ताकि थेपले जले ना। अभी हम ढक्कन लगा देंगे और कम से कम 1 मिनट तक के लिए या 30 सेकेंड्स के लिए छोड़ देंगे। सो 30 सेकेंड्स हो चुके हैं। अब हम ढक्कन हटा के देखेंगे। आप देख सकते हैं चीज़ एकदम मेल्ट हो चुकी है और हमने गैस की फ्लेम मीडियम रखी थी। सो पिज़्ज़ा बनके रेडी हो चुके हैं। अब हम करेंगे सर्विंग। सो मेथी थेपला पिज़्ज़ा बनके रेडी हो चुका है। सर्विंग में हमने सॉस यूज़ की है। पिज़्ज़ा के ऊपर हमने व्हाइट मेयोनीज स्प्रेड कर दी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।